दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है और आप बिना पैन कार्ड के किसी भी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से बिना पैन कार्ड के किसी भी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो आज का ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में जाते हो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए, चाहे वो बैंक प्राइवेट सेक्टर का है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का है, तो वहाँ पर आपसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, सबसे पहले तो आपसे आपका पैन कार्ड की डिटेल मांगे जाते हैं और दूसरा आपका आधार कार्ड के नंबर, आधार कार्ड की डिटेल मांगे जाते हैं। बिना पैन कार्ड के आपका कोई भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे UPI पेमेंट एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बैंकिंग जैसे ही फीचर्स आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे बैंक की तरफ से आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, तो इन सारे UPI एप्लीकेशन में आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। मोबाइल बैंकिंग में जो भी ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। आपको खुद का अपना एक डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड की जाती है। आप कहीं पर भी UPI पेमेंट कर सकते हैं, UPI QR कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। कहीं पर भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, टिकट वगैरह आप बुक कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट हाँ, जो टॉप 5 पेमेंट एप्लीकेशन है, जो सबसे बेस्ट है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, जिसमें आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पैन कार्ड की डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आपको फ्री में इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला नंबर पर पेमेंट एप्लीकेशन है जहां पर बिना पैन कार्ड के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो है ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड एक UPI पेमेंट एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर में। यहां से आपको ओमनी कार्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेनी है। ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह फिल करेंगे, और हाँ, यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड की डिटेल भी मांगे जाते हैं। तो वहां पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड के नंबर एंटर कर सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड के नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो बिना पैन कार्ड के ओमनी कार्ड में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इंस्टेंट आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर आईडी आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये कोई बैंक नहीं है, ये एक पेमेंट एप्लीकेशन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको इंस्टेंट खुद का वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, जिस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी दी जाती है, आप चाहें तो फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। वीडियो KYC नहीं करना होता है, क्योंकि ये कोई बैंक नहीं है, OTP के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर अकाउंट ओपन होता है। तो आप ओमनी कार्ड में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। साथ ही ओमनी कार्ड में आप किस तरह से अपना अकाउंट ओपन करेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा जो पेमेंट ऐप है वो है जूनियो पेमेंट ऐप, ये भी एक पेमेंट ऐप ही है, कोई बैंक नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर आपको बैंकिंग जैसे ही फीचर्स मिलते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर में। यहां से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेनी है। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है, अपना एड्रेस आपको फिल करना होता है, पैन कार्ड के नंबर नहीं देना होता है, बिना पैन कार्ड का ही आपका अकाउंट ओपन हो जाते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह नहीं मिलते, क्योंकि ये कोई बैंक नहीं है, एक पेमेंट एप्लीकेशन है। लेकिन यहां पर इंस्टेंट आपको खुद का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेंगे, जिस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी दी जाती है, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की नीड हो तो आप यहाँ से फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो जूनियो एप्लीकेशन है, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं पेमेंट का। कहीं पर भी आप UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, UPI आईडी पर भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, कोई भी टिकट वगैरह बुक करना हो, मूवी टिकट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, वो भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। इसमें आपको
शॉपिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप जूनियो एप्लीकेशन से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आप बिना पैन कार्ड के जूनियो ऐप में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू कहीं पर भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है उसका भी, और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तीसरा जो सबसे बेस्ट पेमेंट ऐप है वो है अकूडो। अकूडो भी एक यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है जहां पर आप विदाउट पैन कार्ड अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पैन कार्ड के डिटेल एंटर करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं पड़ते हैं। आपको अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह नहीं मिलते हैं बिकॉज ये कोई बैंक नहीं है, एक पेमेंट एप्लीकेशन है। लेकिन हाँ, इंस्टेंट आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, एक वैलिड अकाउंट। खुद का आपको अपना एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहें तो उसके लिए भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाते हैं। कहीं पर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बिना पैन कार्ड के आप अकूडो में अपना एक वैलिड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। साथ ही जो अकूडो यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो जाकर के आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चौथा जो सबसे बेस्ट यूपीआई पेमेंट ऐप है वो है वाईपे। वाईपे में भी आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बैंकिंग जैसे ही यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह तो नहीं मिलते हैं क्योंकि कोई बैंक नहीं है, बट हाँ यहाँ पर भी आपको इंस्टेंट खुद का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, जिस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी दी जाती है, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके एड्रेस पर आपका फिजिकल डेबिट कार्ड पहुंच जाएंगे। वाईपे एप्लीकेशन में भी अकाउंट ओपन करना काफी इजी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ओपन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, एड्रेस वगैरह फिल करेंगे, पैन कार्ड वगैरह के नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। वीडियो केवाईसी भी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई बैंक नहीं है, तो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होता है। तो आप चाहे तो वाईपे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बना रखा है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही इस एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पांचवा जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है फैमपे। हालांकि फैमपे माइनर के लिए बेस्ट पेमेंट ऐप है, हालांकि हर कोई ओपन कर सकता है इसमें अपना अकाउंट, लेकिन ये स्पेशली बच्चों के लिए है, माइनर के लिए है। फैमपे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे, प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यहां से आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह आप एंटर करेंगे, क्लेम करना होगा आपको अपने कार्ड के लिए, इंस्टेंट आपका एक वैलिड अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, पैन कार्ड के नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ते, मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपका अकाउंट ओपन होता है, इंस्टेंट खुद का आपको अपना एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, जिस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड भी दी जाती है, आप चाहें तो यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होंगे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है, फैमपे एप्लीकेशन में अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फैमपे एप्लीकेशन में भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, कहीं पर भी यूपीआई क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी पर भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, तो काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप बिना पैन कार्ड के फैमपे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फैमपे अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे इसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली एक वीडियो बना रखा है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, साथ ही जो फैमपे एप्लीकेशन का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो जाकर के आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है जहां पर आप अपना एक वैलिड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बैंक जैसे ही आपको फीचर्स मिलेंगे, बट जो बेस्ट यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। इन पांचों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, साथ ही इन पांचों यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आपको वहां से चेकआउट कर लेनी है। तो बिना पैन कार्ड के किसी भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना मुश्किल है, आप चाहें तो ब्रांच में विजिट करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेमेंट वगैरह ही करनी है तो आप इन पांचों में से किसी भी यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कहीं पर भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।